नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे रेडिकल सम्राट यूट्यूब चैनल। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और तो कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा देना। दोस्तों, अभी जो टॉपिक में बात करने वाला हूँ आपको बहुत काम पे आने वाला है। अभी का ट्रेडिंग सिस्टम में पूरा के पूरा ऑनलाइन पे सेटिंग हो चुका है, हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो दौर में उसमें अमेजन फ्लिपकार्ट आ जाते हैं, तो उसमें कभी कभी ऐसा होते वो कोई भी प्रोडक्ट मंगाने के बाद उसको क्या आपको पसंद नहीं आते, कोई प्रोडक्ट में कोई खराबी रहते उसको रिटर्न करने का ज़रूरत पड़ जाते। तो अक्सर आदमी को पता नहीं होते कैसे रिटर्न किया जा सकते, तो आदमी फंस जाते। तो दोस्तों, जो आदमी कोई सामान मंगाने के बाद रिटर्न करने के बारे में सोचता है, ये वीडियो से उसके लिए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रिटर्न करने के लिए आपको पहले आपको फ्लिपकार्ट, अगर फ्लिपकार्ट से मंगाया है तो फ्लिपकार्ट ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको सामने वो जो होम पेज आ जाएगा फ्लिपकार्ट का, तो आपको जाना पड़ेगा माय ऑर्डर पर, जहाँ पे जाके आप ऑर्डर देख सकते हैं। तो मैं माय ऑर्डर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मैं जो सामान मंगाया था वो सामने आ जाएगा। तो आपको जिस चीज़ को रिटर्न करना है उसको पर क्लिक कर लेना। दोस्तों, पहले एक बात तो बताना चाहता हूँ आपको, उसको जो फ्लिपकार्ट का जो कंडीशन रहते हैं, आप कोई भी सामान मंगाने का एक हफ्ता का अंदर ही उसको रिटर्न कर सकते हैं। अगर एक हफ्ता से ज़्यादा हो गया तो वो सामान आप रिटर्न नहीं कर सकते। तो रिटर्न करने के बाद आपको जो पेज खुल जाएगा, अब जो प्रोडक्ट का जो पेज खुल जाएगा उसमें आपको इजीली रिटर्न का जो ऑप्शन है दिखाई देगा, तो आपको रिटर्न ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ फिलअप करने का ज़रूरत पड़ती है। इसको रीजन पूछेगा आप क्यों इसको वापस करना चाहते हैं, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे डिटेल्स देना पड़ेगा या फिर कमेंट में लिखना पड़ेगा कि आप प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए मैं फिलअप कर लेते फटाफट। आपको पहले जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें पूछता है रीज़न फॉर रिटर्न, क्यों रिटर्न करना चाहते, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते। क्वालिटी इशूज सिलेक्ट कर लेते। उसके बाद मोर डिटेल पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे पोर फेवरिक क्वालिटी सिलेक्ट कर लेते। उसमें बाद कमेंट में लिखना है क्या प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डैमेज दे देते लिखने का। कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूछेगा वो व्हाट डू यू वांट टू रिटर्न, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपको रिफंड करना है तो रिफंड पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको जो पैसा है वो उसमें किस में लेना पसंद करोगे, बैंक अकाउंट में ना गिफ्ट का, बैंक अकाउंट में लेना पसंद करूँगा। तो यहाँ पे मेरा जो बैंक अकाउंट है ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो ऐसे जाके आपको ऑप्शन में उसका जो बैंक अकाउंट का डिटेल्स बोल लेना है, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, कंपनी अकाउंट नंबर एंड होल्डर, अकाउंट होल्डर नेम्स, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितना है वो पूरा के पूरा फिलअप कर लेना है। तो मैं फटाफट फिलअप कर लेते। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा जो अकाउंट डिटेल्स है पूरा के पूरा भर चुका हूँ मैं। यहाँ पे ऐड न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना, नीचे जो ऑप्शन आएगा उसमें क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, तो मैं कंफर्म कर देते। सक्सेसफुल ऐड हो गया है मेरा अकाउंट। ऐड होने के बाद यहाँ पे फिर आपको पूछेगा एग्जिस्टिंग अकाउंट, मतलब अभी जो आपको अकाउंट ऐड किया है उसमें रखना चाहते हैं, तो मैं क्लिक करके मैं एग्जिस्टिंग अकाउंट सम्राट विश्वास का मेरा नाम पे जो है वो मैं सिलेक्ट कर देते। सिलेक्ट करने के बाद मैं एड्रेस तो नहीं चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो पहले जो एड्रेस है वही रखना चाहता हूँ। फिर सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देते। क्लिक करने का बाद तो यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देते। कंटिन्यू करके क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा जो रिटर्न जो है ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली आ गया है यहाँ पे, एंड मेरा जो रिटर्न है वो होने वाला है। तो मैं नीचे जाके मैं कैंसिल रिटर्न भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे तो रिटर्न करना है, तो रिटर्न कैंसिल रिटर्न करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आपका जो रिटर्न का जो प्रोग्रेस देखा रहे, तो मेरे को यहाँ पे आज कौन सा तारीख है, आज आपको आ गया है 5 तारीख, तो ये बता रहे हैं 9 तारीख का अंदर, 9, 5, 10 तारीख का अंदर मेरा जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न कर देगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना आसानी से मैं रिटर्न करके दिखाया।
तो उम्मीद रखता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर कोई भी प्रश्न है आपका मन में, कोई भी क्वेश्चन है आपका, अगर समझ में कोई भी प्रॉब्लम हो अब पढ़ने का टाइम तो नहीं हो रहा है, तो मेरे को जरूर कमेंट करना, मैं अच्छा करके बताऊंगा और क्या क्या करना पड़ेगा, कोई दिक्कत है तो मैं उसको सोल्यूशन निकालूंगा। दोस्तों उम्मीद रखते हो आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और हमारे साथ में हमेशा रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा देना। दोस्तों फिलहाल के लिए तो फिर मिल रहा हूँ आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जाने दीजिए, बाय, वंदे मातरम।